कितनी खुशी। खाने में कितने पैसे उड़ते जा रहे हैं सोच सकते हो मंत्री जी। कुछ तो कहो, कितनी खुशी। जी ठीक है, तो कल से ही राज्य में खाना ना खाने की घोषणा कर देता हूँ। ये क्या बेवकूफी है, कितनी खुशी। अगर लोग नहीं खाएंगे तो बचेंगे कैसे मंत्री जी? जी लोगों को बचाने के लिए पैसे तो उड़ेंगे ही, और पैसा बचाने के लिए लोग उड़ेंगे, मतलब उड़ जाएंगे जी। तब तो ये गंभीर समस्या है, कितनी खुशी। चलो मंत्री, थोड़ा बगीचे में टहल कर आते हैं, कितनी खुशी। मिल गया मंत्री, मिल गया उपाय, मिल गया। पहले कैसे खाना कम किया जाए वो तो सोचो, फिर दोनों ही बचेंगे, कितनी खुशी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, त्रिभुवन को बुलाओ, अभी बुलाओ, कितनी खुशी। वाह। उगे बाल उगे। आइए गंजे जी, मेरा आविष्कार मैंने तैयार किया है, इस राज्य में अब कोई भी गंजा नहीं रहेगा। वाह, इतने सारे बाल। अरे मेरा टकला कहाँ गायब हो गया? अरे वाह, कितने बाल आ गए, इतने सारे बाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। महाराज ने बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। भूख कम करनी पड़ेगी वैज्ञानिक, भूख कम करनी पड़ेगी। जी कैसी भूख, नाम की भूख, पैसों की भूख, या फिर खाने की भूख? हाँ बिल्कुल सही कहा, खाने की भूख। है इसका इलाज है, भूख शांत करने की गोली। खाने की इच्छा उड़ जाएगी तो फिर मैं जाकर शुरू करूँ अपना काम? अवश्य, जल्दी से शुरू हो जाओ भूखरण गोली के आविष्कार में। कितनी खुशी। क्या कह रहे हो मंत्री, टकले पर बाल निकल आए? बिल्कुल सही है, मैंने पता लगवाया है। जब खबर पक्की है तो मुझे जांचनी भी पड़ेगी। बताओ और कौन सी खबर है अब, बताओ। मेरे गुप्तचर ने सूचना दी है कि राजा ने भूखरण गोली का आविष्कार करने का आदेश दिया है। उनको ही लेकर आओ ना। पर कैसे? पकड़ कर। अरे जाओ जाओ जाओ, पकड़ कर ले आओ उसे। महाराज सूचना मिली है, रंग देश के राजा हमारे त्रिभुवन को चुराने वाले हैं। उसके मामा की संपत्ति जो है, कितनी खुशी। कड़ा पहरा बिठा दो, एक सुई भी नहीं जानी चाहिए, सन्न और प्रसन्न को सूचना दे दो। कितनी खुशी। सुनो, तुम्हें ऐसे पहरा देना होगा कि एक मक्खी भी भीतर जाने ना पाए। ऐसा पहरा दूंगा कि एक चींटी भी नहीं आ पाएगी अंदर। उनका चेहरा बिल्कुल दो दानवों की तरह है महाराज। फिर तो ये बहुत कठिन काम हो गया। जी हाँ महाराज। फिर इसका उपाय क्या है? और अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। अरे मंत्री, और कितने दिन, कितनी खुशी, जाकर देखो उनका क्या हाल है, जाकर देखो। जी अगर आप कहते हैं तो फिर एक बार जाता हूँ त्रिभुवन के पास। महाराज, उस वैज्ञानिक ने मेरे सिर पे कौन सी दवा लगा दी, बाल तो बढ़ते ही जा रहे हैं महाराज।
पूरे सिर के बाल कमर से नीचे होते जा रहे हैं। तो कंगाल हो गया हूँ महाराज, और वो नाई अमीर होता जा रहा है। कुछ तो कीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। खुश गंजे हो तो भी रोते हैं, और गंजे ना हो तो भी रोते हैं। दुख का विषय है ये। और इस गंजे के सिर के बाल देखकर मुझे यकीन होता जा रहा है मंत्री, कितनी खुशी। यकीन? कैसा यकीन महाराज? कितनी खुशी, एक असाधारण भूख हरण गोली को खाने के बाद पक्का एक साल तक और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी खुशी। मेरा क्या होगा महाराज, मेरा क्या होगा? कोई है क्या यहाँ? इसे कारागार में बंद कर दो। त्रिभुवन, ओ त्रिभुवन, कहाँ हो तुम? अरे मंत्री जी, यहाँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ। और कितने दिन लगेंगे? तैयार होने ही वाला है, हो ही रहा है, अब सिर्फ 10 दिन। महाराज से कहिएगा मुझे 10 दिनों से भूखा एक मनुष्य चाहिए अपनी जांच करने के लिए। अभी जाता हूँ महाराज को ये सूचना देने के लिए। महाराज, बस मात्र 10 दिन। कितनी खुशी, कितनी खुशी, 10 दिनों बाद ही मिल जाएगी भूख हरण गोली। चलो सब मिलकर खुशी मनाते हैं। महाराज, परीक्षण के लिए 10 दिनों का भूखा एक मनुष्य चाहिए। ये कौन सा मुश्किल काम है? वो जो गंजा कारागार में बंद है, उसका खाना पीना आज से बंद, रहने दो उसे 10 दिनों तक भूखा। क्या कहा? बस मात्र 10 दिन? नहीं, तुम लोगों में कोई क्षमता नहीं है। कहते हो कि मेरे राज्य में ऐसा कोई वैज्ञानिक ही नहीं है। जी जो नहीं है वो नहीं है, जहाँ है वहाँ वो उपाय कर रहा है। चलो भेष बदलो, चलते हैं उस देश में। जो आज्ञा महाराज, इस समस्या का अंत तो देखना ही पड़ेगा। महाराज, महाराज, बहुत भूख लगी है महाराज। 10 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सच में महाराज। मुझे बहुत अच्छे। अरे कौन है, इसे भूख हरण गोली खिलाओ। कितनी खुशी। ये लीजिए, गोली हाजिर है। गंजे बाबा, प्यारे बाबा, भूख है क्या, भूख है क्या, अब बताओ। अरे अरे, ये क्या, ये क्या हो रहा है? ये तो अकेले ही 100 लोगों का खाना खा रहा है। भुवन, ये कौन सी गोली खिलाई है, भूख हरण या भूख वृद्धि की गोली? कितनी खुशी। जी, लगता है ये कोषागार विलुप्त गोली है। इसका खाना जुगाड़ करते करते तो राज्य का कोषागार ही समाप्त हो जाएगा महाराज। भाग चलो मंत्री, त्रिभुवन नहीं चाहिए हमें, हम अच्छे हैं भाई, गोली नहीं चाहिए हमें। जी वैज्ञानिक को तो छोड़ दिया, पर विज्ञान? भयंकर विषय है विज्ञान, ज्यादा समझे तो हो जाएंगे अज्ञान।